आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एएसपी शहरबानों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने शहरबानों की एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत को सराहा। शहरबानों ने 26 फरवरी को इछरा बाजार में एक खातून को मुश्तिल हजूम से बाहिफाजत निकाला। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर के बारे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एएसपी शहरबानों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने शहरबानों की एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत को सराहा। शहरबानों ने 26 फरवरी को इछरा बाजार में एक खातून को मुश्तिल हजूम से बाहिफाजत निकाला। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये मनाजर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से उनके सर पर हाथ रखकर उनको दाद दी जा रही है। और आर्मी चीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी खवातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, इस मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एएसपी शहरबानों की मुलाकात की है और आर्मी चीफ ने शहरबानों की एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत को सराहा है। शहरबानों ने 26 फरवरी को इछरा बाजार में खातून को मुश्तिल हजूम से बाहिफाजत निकाला था। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है और जो एएसपी शहरबानों हैं उनकी जो पेशा वराना सलाहितें हैं और जो उन्होंने 26 फरवरी को इछरा बाजार में एक खातून की जान बचाने का अमल किया उसको जो है वो काबिल तारीफ करार दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। आपका बहुत शुक्रिया।